स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है इसमें आप पूरा डिटेल में अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे, और उसके साथ साथ अर्थिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग क्या होता है, उसका एक लाइव एग्जांपल लेके और पूरा डायग्राम के थ्रू, यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे डिफरेंसेस पे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को हम यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे अर्थिंग है और यहाँ पे ग्राउंडिंग है, दो चीज़ें, ठीक है। तो अर्थिंग क्या होता है और ग्राउंडिंग क्या होता है, ये दोनों हमें समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं पढ़ूंगा कि डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अर्थिंग क्या कहलाता है, देखिए एक लाइव एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आपको सपोज मेरे पास देखिए ये वायर है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे देखिए तीन तरीके के वायर है। अब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इसी से समझा देता हूँ कि हमें अर्थिंग की नीड क्यों पड़ती है, ग्राउंडिंग की नीड क्यों पड़ती है, और होता क्या है। ये आपका जो रेड वायर है, इसमें आपका करंट जो है, यानी कि मेन जो होता है ये हमारा रेड वाला है, इसको हम कहते हैं लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर। ये ग्रीन जो वाला है, देखिए ये ग्रीन जो दिख रहा है यही हमारा क्या है, अर्थिंग है, ठीक है। और जो ये ब्लैक दिख रहा है, आप ये देख रहे हैं ब्लैक, ये न्यूट्रल वायर होता है। ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं आप, ये न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। अब मैं इसका एक डायग्राम को बताता हूँ, ठीक है, डायग्राम बताता हूँ। और उससे पहले भी मैं क्या करता हूँ कि आपको पहले उसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आते हैं उसके डायग्राम पे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए डिफरेंस में तो वो मैं लिखूंगा ही, तभी आपको बता दूंगा कि जो हमारा अर्थिंग और ग्राउंडिंग, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में एक डिफरेंस और भी है कि ये जो मैंने आपको बताया अर्थिंग है, अभी तीसरा वायर क्यों होता है, इसका कोई काम नहीं होता है ज़्यादा। इसका काम यही होता है कि जैसे कि हमारे शॉक लगता है, किसी को भी शॉक लगता है तो ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए दिया जाता है, ठीक है। शॉक लगता है तो यहाँ से जो भी हमें प्रोटेक्शन देनी होती है, वो ये वाला जो वायर है ये क्या करता है कि अर्थिंग प्रोवाइड करके हमें सेव करता है, ये जो वायर है, ठीक है। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। बट अगर हम इसी ब्लैक वायर में एक इस तरीके से, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर मैं इसको इसके साथ रोल कर दिया इस तरीके से, मतलब इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ कि जमीन में, है ना, जमीन में क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ, तो क्या होगा इस केस में, ये हमारा जो न्यूट्रल वायर है, जो न्यूट्रल वायर है ये हमारा क्या बन जाता है, ग्राउंडिंग कहलाता है। देखिए आपने घर में भी सुना होगा, घर में भी बोलते हैं कि घर में भी, अभी के टाइम पे नहीं होता है, आपके शहरों में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो गांव साइड एरिया है जहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम आती, कम वोल्टेज होता है, जहाँ पे लाइट क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई हैवी इक्विपमेंट को रन किया, जैसे कि आपका कूलर हो गया, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, वो अगर रन करते हैं, एसी रन किया, तो क्या होता है, वोल्टेज घर का जो होता है वो कम होने लगता है, मीन्स लाइट जो होता है, लाइट जो का जो बल्ब जो जलता है उसके आप देखेंगे वो डिम होने लगता है। गांव में होता है ये, यहाँ पे नहीं होता है, गांव साइड एरिया में होता है। तो हम उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं। बट गांव में या फिर यहाँ पे भी बोला क्या जाता है, अर्थ दे दिया है, मतलब कि हमने अर्थ प्रोवाइड कर दिया है किसको, वो कहना गलत होता है वहाँ पे, ठीक है, अर्थ नहीं कहना चाहिए वहाँ पे, करना चाहिए ग्राउंडिंग की है, ठीक है। तो ये वहाँ पे कहा जाता है, वहाँ पे ग्राउंडिंग को ही अर्थिंग की जाती है। आपने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, आज से 5 से 6 साल पहले, अब तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ हो गई है, जिसके कारण क्या होता है कि वोल्टेज कम डाउन नहीं होता, बट जहाँ अभी भी गांव साइड एरिया में वोल्टेज कम डाउन होता है, तो वोल्टेज को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, उसकी अनबैलेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ग्राउंडिंग का यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आओ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको पूरा क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डेफिनेशन आता हूँ अर्थिंग की। नंबर 1, अर्थिंग इज प्राइमरी यूज्ड टू अवॉइड ह्यूमन शॉकिंग्स, मीन्स ह्यूमन की शॉकिंग जो होती है, यहाँ पे गलती से भी जो भी ह्यूमन को करंट लगने के चांसेस होते हैं, उससे क्या करता है कि हमें अर्थिंग बचाता है। कौन सा वाला, ग्रीन वायर, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी क्या होगी, ये मैंने आपको बताया कि किस लिए यूज होता है, ग्राउंडिंग इज प्राइमरली
यूज्ड टू अनबैलेंस वेन द सिस्टम ओवरलोड, ठीक है। सेकेंड, ग्रीन कलर वायर इज यूज्ड इन सिस्टम, ओके। यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर वायर इज यूज्ड इन सिस्टम। सिस्टम भी ब्लैक कलर के वायर में रहता है और ये कौन से, ग्रीन कलर के वायर में रहता है। थर्ड, अर्थिंग में जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है किसके, इक्विपमेंट के अंदर ही। तो यहाँ पे थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, अर्थिंग इज लोकेटेड अंडर दी अर्थ पिट बिटवीन दी इक्विपमेंट बॉडी अंडर गोस, ठीक है, सॉरी अंडर ग्राउंड। तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा वायर है, मतलब कि जो हमारी अर्थिंग है, वो हमें इक्विपमेंट ही प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट के थ्रू ही हमें यहाँ पे प्रोवाइड होता है। बट ग्राउंडिंग के केस में क्या होता है, आप देखते हैं क्या फिजिकली एक किसी भी चीज को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करके, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करके उसको आप ग्राउंड करते हैं, अर्थ में क्या करते हैं उसको गाड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या है, ये उसको जो भी इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करता है अर्थिंग, बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूट्रल वायर ऑफ द इक्विपमेंट बींग यूज एंड ग्राउंड। देखिए यही जो चीजें मैंने आपको सारी समझाई है वही यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम इसका, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूँ जो आपको थोड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, उसकी समझ से आप ये तीनों डिफरेंस इजी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ या फिर मैं यहीं पर बना देता हूँ, स्पेस है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, वैसे तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा लाइव वायर है, समझना आप, ये हमारा एक लाइव वायर है ना, और ये हमारा क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। अब इधर मैं जाता हूँ, ये हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रल वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ये न्यूट्रल वायर है। अब क्या होगा कि अर्थिंग के केस में ये हमारा क्या होता है, इक्विपमेंट है, जिसने यहाँ पे हमें क्या लिया, करंट लिया इनसे। तो हमारी अर्थिंग जो है वो इस तरीके से होती है, ये क्या है अर्थ, यहाँ पे हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें अर्थिंग, मतलब उसके थ्रू। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल वायर को भी मैंने टच नहीं किया, न्यूट्रल वायर मतलब कि ब्लैक वायर, ठीक है, और ना ही हमारे लाइव वायर मतलब रेड, दोनों को नहीं टच किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ग्राउंडिंग की बात करता हूँ, ठीक है, ये वाला होता है ग्रीन वायर, ओके। अब मैं ग्राउंडिंग की बात करता हूँ, ग्राउंडिंग के केस में होता है सेम इसी तरीके से, ये हमारा क्या है लाइव वायर, और यहाँ से हमने करंट लिया, ठीक है, और ये हमारा क्या है न्यूट्रल वायर। अब केस में क्या होता है कि इसमें ये हमारा सपोज इक्विपमेंट लगा हुआ है, ठीक है, ये है इक्विपमेंट। अब क्या होगा कि यहां पर क्या करते हैं कि जब यहाँ पे अनबैलेंसिंग या ओवरलोडिंग के कारण जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में क्या होता है कि न्यूट्रल यानी ब्लैक वायर को सीधे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ये अर्थ सरफेस है हमारी, तो उसमें कनेक्ट कर देते हैं,
यही क्या कहलाता है हमारा, ग्राउंडिंग। तो ये दोनों डिफरेंस है, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम इक्विपमेंट से अर्थ, मतलब इक्विपमेंट से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, मतलब अर्थ में ले जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर से यहाँ पे अर्थ में इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो भी है अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों का डिफरेंस है। आई होप आपको मैंने ये बहुत इजी वे में करके समझा, आपको लग नहीं रहा हो कि इतना इजी है, हो सकता है ये तो बहुत इजी वे में समझाए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कम है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है आपके लिए अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर और ऐसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।